हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी थालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, और स्पेशली हम क्लास 11th में एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो सिर्फ बेंजीन के बारे में ही पढ़ते हैं। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड हमारे और भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ बेंजीन ही एज अ एरोमेटिक कंपाउंड बता रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बेंजीन हो गए, या फिर इसके जितने भी होमोलोग्स होते हैं, इसकी फैमिली के होते हैं, जिनमें लगभग 8 कार्बन है। ठीक है, जैसे टॉलिन हो गया या इथाइल बेंजीन हो गया, तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। और जो इनसे भी ज़्यादा वाले होते हैं, जिसमें 8 से भी ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए ये इमिसिबल रहेंगे वाटर में, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में। ठीक है, तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए पानी में जल्दी से घुलते नहीं हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद दे आर इन्फ्लेमेबल रहते हैं, और जब जलते हैं तो सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है, सूटी कार्बन देते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे इनका मॉलिकुलर मास बढ़ता है। ठीक है, दे आर टॉक्सिक इन नेचर, ये टॉक्सिक रहेंगे, हार्मफुल रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और कार्सिनोजेनिक इन नेचर रहते हैं, ये कैंसर कॉजिंग रहते हैं, ये और इसके फैमिली वाले। ठीक है, जिनमें 2 बेंजीन रिंग आ रही है, 3 बेंजीन रिंग आ रही है, 4 बेंजीन रिंग आ रही है, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं ये कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, बट क्योंकि सिलेबस में था तो जस्ट मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया कि देखो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जब हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम 3 सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको पेपर में मिल सकता है। उसके बाद है एडिशन रिएक्शंस, और तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हालांकि इम्पॉर्टेंट तीनों हैं, बट अगर आप पूछेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहूँगी, कि वहाँ से आपको विद मैकेनिज्म क्वेश्चन देखने को अपने पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। नाम में ही मतलब छुपा है। हम कहते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, है ना, और मान लीजिए मेरे से पहले कोई टीचर था और वो रिटायर हो गया, तो मैं कहूँगी कि मैं मैम का सब्स्टिट्यूट हूँ। तो जब हम किसी के हट जाने के बाद, या तो किसी को हटा के उसकी जगह ले ले, या अगर कोई खुद ही हट गया है, हम उसकी जगह पे जाके जुड़ जाते हैं, तो हम उसके सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी वो होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हट जाते हैं रिंग में और उनको रिप्लेस कर देते हैं कोई दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अदर ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। नाम में ही वंस अगेन मतलब छुपा है। हैलोजिनेशन में क्या होगा कि बेंजीन रिंग में से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हम किसी हैलोजन से। हैलोजन्स हमारे क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्या लिखा है यहाँ पर, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द रिंग ऑफ एन अरीन बाय अ हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, हर कार्बन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। अब मान लीजिए जैसे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस कार्बन पे दिखा सकती हूँ कि हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है कि एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना के निकल गया और एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जुड़ गया। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगर हम बात करें इधर ब्रोमिनेशन की, जैसे ये कहलाएगा क्लोरीनेशन। पेपर में आपको क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म मिल सकता है, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अब देख लीजिए कि जैसे ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ पर H लगा है,
और ब्रोमीन को हमने तोड़ा, ब्रोमीन का एक एटम यहाँ से H लेके निकल गया और इन्होंने बनाया HBr, और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर जाकर जुड़ गया जो क्या बना रहा है, ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह किसी हैलोजन को रख रहे हैं, ठीक है। तो हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है और वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। बहुत ईजी रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। मैकेनिज्म जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयोडीनेशन। जिस तरीके से हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन कराया, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लुईस एसिड को यूज करते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने एरो के ऊपर अनहाइड्रस AlCl3 एंड अनहाइड्रस FeBr3 लिखा था, ठीक है। उन्हें हम हैलोजन कैरियर्स भी कहते हैं क्योंकि उनका काम होता है हैलोजन को कैरी करना। जब मैकेनिज्म करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रही हूं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम आयोडीनेशन। जैसे क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन डिस्कस किया, अब हम लोग आयोडीनेशन डिस्कस करेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि आयोडीनेशन में हम लोग लुईस एसिड को नहीं डालते, जस्ट हम एरो के ऊपर हीट लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम बेंजीन में आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। नॉर्मली जो सिंपल रिएक्शन है कि यहाँ से आयोडीन टूटेगा, एक एच के साथ आई जो है एच आई बन के निकलेगा और एक आई जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन जो है ये बैक में जा सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और उसका रीज़न क्या होता है, एच आई। एच आई बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एच आई जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 पहला एलिमेंट है ग्रुप का, है ना, फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा। और आपने पढ़ा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो आयोडीन का जो साइज है वो हाइड्रोजन के मुकाबले क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ हम नोटिस करते हैं कि जब भी आप चाहते हैं कि किन्हीं दो एटम के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बने, तो छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रांग बनाता बॉन्ड बनाता है और बड़ा एटम बड़े एटम के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं, और जब सेम एनर्जी के या कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं तो वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन यूज़ करेगा अपना 1s, आयोडीन की बात आएगी तो 2p, 3p, 4p, 5p, ये यूज़ करेगा अपना 5p या 5s। तो एक 1s फर्स्ट एनर्जी लेवल, एक फिफ्थ का पहुंच गया, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनेगा। जिन बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही, आप आसान शब्दों में ऐसे समझ लो कि छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, बड़ा एटम बड़े एटम के साथ। एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ड्यू टू देयर साइजेस, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक है और बहुत जल्दी टूट जाएगा। समझ में आया। अब अगर ये टूट जाएगा, एच में अलग हो जाएगा, आई में अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये हाइड्रोजन फटाफट क्या करेगी, किसी न किसी के साथ जाके कंबाइन हो जाएगी और रिएक्ट करेगी, तो रिएक्शन को बैक में दे देगी। तो इसीलिए ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल ना हो, हम क्या करते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं। ये सारे के सारे क्या है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे हम यहाँ पे HIO3 को यूज़ कर रहे हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, HGO को यूज़ कर रहे हैं। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या है, वो इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ HI के साथ रिएक्ट करते हैं और इस HI को किस में चेंज कर देंगे, आयोडीन में या फिर अपने किसी दूसरे सॉल्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो उसको किसी अनदर मोर स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, HI की फॉर्म में से हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर वो HI से जब किसी और चीज़ में चेंज हो गया तो फिर वो इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैक में नहीं देगा और रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं बनाएगा।
समझ में आया? तो हमारी रिएक्शन वापस बैक में ना जाए, इसीलिए हमें आयोडीनेशन में क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। वहाँ पे आपके बाय प्रोडक्ट बन रहे थे क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन में HCl एंड HBr, तो उनके बीच में इतनी ज़्यादा बॉन्ड की वीकनेस नहीं होती एज कम्पेयर टू जितना हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन की, तो फ्लोरीन जो है बहुत ही साइज में छोटा होता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, जल्दी से रिएक्ट करेगा और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है और जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा मॉलिक्यूल को, जितना स्टेबल करेगा, उतना ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कंट्रोल करना। इसीलिए हम कभी भी डायरेक्ट मेथड से फ्लोरीनेशन नहीं करते, हम अलग अलग रिएक्शंस की मदद लेते हैं, जैसे कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, वहाँ पे हम स्वार्ट्ज रिएक्शन की मदद लेते हैं फ्लोरीनेशन को करने के लिए। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया RBr, ठीक है, और मैंने क्या किया, RBr लेके इसके अंदर डाल दिया AgF, मेटालिक फ्लोराइड डाल दिया, तो ये क्या करेगा, सिल्वर के पास चला जाएगा ब्रोमीन और इसके पास आ जाएगा फ्लोरीन, तो हैलोजन्स एक्सचेंज हो रहे हैं और इस तरीके से हमारे पास हेलोअल्केन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने बस आपको ये, इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए बताया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि भाई फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने हैलोजिनेशन को डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या है, नाम में ही मतलब छुपा है कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हम किसको कहते हैं, SO3H को। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे SO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे। जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगी तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि दो H2SO4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, H3O+ बनता है, HSO4- बनता है और SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जनरेट होता है जिस पर रिंग अटैक करती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में क्या एलिमिनेट होता है, वाटर। फिर जब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, रिंग में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, नाइट्रो ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम किसे कहते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है, ये आपको पेपर में मिल भी सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। तो बेंजीन में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल के उसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप को जोड़ देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। इन सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन पढ़ लिया है। अब हम दो और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में याद करेंगे, पढ़ेंगे भी, और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इन पांचों रिएक्शन को, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि ये जस्ट 11th में जाके ख़त्म नहीं हो जाती, अभी तो ये सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं कि देखो ये रिएक्शन का मतलब क्या है। 12th में आप इन रिएक्शंस का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये एज अ बेस का काम करते हैं, तो आपको ये पांचों रिएक्शन याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्काइलेशन की, देखो मैं आपको आसान शब्दों में ये बताती हूँ, जब हम फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेटा ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है,
और दूसरी होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, नाम में ही मतलब छुपा है। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, यानी कि आर ग्रुप जुड़ेगा रिंग में। अब ये आपका मिथाइल भी हो सकता है, ये आपका इथाइल भी हो सकता है, ये आपका प्रोपाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपका एल्काइल ग्रुप। एसाइलेशन में हमारा एसाइल ग्रुप जुड़ता है, और एसाइल ग्रुप बोलते हैं हम आर सी डबल बॉन्ड ओ को। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग में CH3 C डबल बॉन्ड ओ जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसाइलेशन। यहाँ पे R भी आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एल्काइलेशन की, जिसे हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहते हैं, तो जब हम, मैंने आपको क्या बताया, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी जोड़ना है एक तो उसको लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आप कोई हेलोजन लेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इधर हम RX लेते हैं। RX लेने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो हम R है, R का मतलब कोई ना कोई कार्बन होगा, और X का मतलब यह है कि कोई ना कोई हेलोजन होगा। फ्लोरीन हम लेते नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ज़्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन हम लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो मान लो सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, तो अब यहाँ पर CH3Cl लेने का मतलब क्या है, मैं आपको वो बता रही हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3.15। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर RX लेने का मतलब ये है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वीक है बेटा, इजीली टूट सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर RX लिया है। और ये वीक क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है। तो हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन के साथ जुड़ के बनाएगा HCl, और एल्काइल ग्रुप आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और जो भी आपका एल्काइल ग्रुप आप ले रहे हो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। मैंने CH3 लिया है तो यहाँ पर CH3 जुड़ गया। बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टॉलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिडल। अच्छा, इसमें मैंने एक और एग्जांपल बताया आपको, जैसे आपको इथाइल ग्रुप जोड़ना है, इथाइल बेंजीन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इधर यहाँ पर इथाइल ले लेंगे और कोई भी हेलोजन ले लेंगे। लुईस एसिड को लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनके बिना रिएक्शन नहीं होती, यही रिएक्शन को शुरू कराते हैं, मैकेनिज्म में आप देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है एसाइलेशन। एसाइलेशन को हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एसाइल ग्रुप जुड़ता है, जो भी आप रिंग पर जोड़ना चाहते हैं आप वहां पर R की जगह उसको ले सकते हैं। तो मैंने बेंजीन लिया और यहां पर मैंने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ेगा, और यहां से जो एच निकला है वो क्या करेगा, इधर BR कर लो। ठीक है, इधर से जो H निकलेगा वो ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा HBr। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड ओ CH3 आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसे क्या कहा जाता है, एसिटोफिनोन। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ लिया है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पेपर में तो आती ही आती है, 12th में भी बहुत काम आती है। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन बहुत काम आती है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने खत्म कर ली है। तो सबसे पहला है हमारा एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। आपने डबल बॉन्ड में ना रिएक्शन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि भाई जब हम डबल बॉन्ड लेते हैं और डबल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैसे कैटलिस्ट, जैसे कि रेने निकल हो गया, रेने निकल क्या होता है, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय। ठीक है, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, तो ये हाइड्रोजन जो है ये ब्रेक करते हैं, ये एच यहाँ और ये एच यहाँ जाकर जुड़ता है और ये क्या बना लेता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो सेम यही चीज़ होगी। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो बेंजीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं,
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच। अब देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगी तो हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, देखो जैसे ये एच है, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, चार। अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड करूंगी तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, पांच, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। फिर इसी तरीके से एक एच मैंने अगर यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, फिर मैं यहाँ ऐड करूंगी तो इस कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए, तो यहाँ से तोड़ देंगे, इधर एच ऐड कर दिया, फिर इधर एच ऐड कर दिया, इधर एच ऐड कर दिया, और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि एक डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर दो हाइड्रोजन जाकर ऐड होते हैं, तो तीन डबल बॉन्ड के लिए हमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3H2 लगेंगे, ठीक है, कल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहां पर टेम्परेचर रखा जाता है 473 से 573 केल्विन में, तो ये तीन हाइड्रोजन जो है ये टूटेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और इस तरीके से क्या करेंगे, यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक। और जब ये यहां पर जाकर जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो यानी कि ये हमको क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या मिलेगा हमें, इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आसान सी रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ से रब करूँगी, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन में हम हैलोजन को ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि जैसे हम मान लीजिए बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन में मुझे क्लोरीन ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हाइड्रोजन में था तो दो कार्बन पर एच एच जाके जुड़ रहा था, तो एच टू लग रहा था एक डबल बॉन्ड के लिए, तीन डबल बॉन्ड के लिए तीन एच टू लग रहे थे। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने लगेंगे, तीन क्लोरीन, और ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तीन दूनी छः, छः क्लोरीन है वो जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो ये एडिशन रिएक्शन है, जस्ट सिंपली हैलोजन्स ऐड हो रहे हैं। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं BHC, इसे हम क्या कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। और एक आप ध्यान रखेंगे, ये जैसे एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगी कि मान लीजिए हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसमें हैलोजन ऐड कर रहे हैं। मान लो मैं क्लोरीन ऐड करना चाह रही हूँ, तीन क्लोरीन मैंने ले लिया या क्लोरीन एक्सेस में लिखा है, और मैं इसको डार्क में रिएक्ट करा रही हूँ किसी अनहाइड्रस लुइस एसिड की प्रेजेंस में, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया AlCl3। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, किसी को हटा के उसकी जगह लगा दिया जाता है। तो किसको हटाएंगे, कार्बन के पास है ही क्या हटाने को, हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन। इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन। इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन। समझ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड नहीं हटा है क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही रहेगा और हर कार्बन पे से हाइड्रोजन हट जाएगा और हर जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस समझना आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और क्या कहते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर रिंग में डबल बॉन्ड रहेंगे जबकि यहाँ पर रिंग में डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। जो हमारा BHC होता है, ये हमारा एक इंसेक्टीसाइड होता है, इंसेक्टीसाइड होता है, और इसे ना मार्केट में ये लिंडेन और गैमेक्सेन के नाम से बिकता है, ठीक है।
मैं एक बार स्पेलिंग देख लेती हूँ, जी एम ई एक्स ए एन है, एक्स ए एन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने आपको डबल बॉन्ड में बताया भी था, ट्रिपल बॉन्ड में भी कराया था। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम बेंजीन में ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो ओजोनोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी डबल बॉन्ड रहेगा हम क्या करेंगे, उसमें ओजोन को ऐड कर देंगे। किसकी प्रेजेंस में? CH2Cl2 की प्रेजेंस में। तो ओजोन जो है, जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएगा। देखो मैं इसको डबल बॉन्ड पे जोड़ रही हूँ, ठीक। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ओजोन जुड़ता है तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है? सिंगल में। फिर तीन ऑक्सीजन जो है, तीनों पे लोन पेयर रहेगा। और ये कंपाउंड क्या रहेगा? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से हटके कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं एक ऑक्सीजन को ऊपर भेज रही हूँ तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? फिर से 5। तो जब ये ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट के दौरान ऊपर जाता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी टूट जाता है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओजोनाइट, ठीक है। इस ओजोनाइट का जब हम जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, और ओ बॉन्ड टूटेगा। तो ये क्या बना? एच कार्बन, फिर कार्बन पे क्या है? H, और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड O। सेम चीज़ वहाँ पे भी होगी, और दो बार ये फॉर्मलडिहाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जस्ट मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया है कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है। अब हम डबल बॉन्ड में इसको सीखेंगे, ठीक है, सॉरी बेंजीन रिंग में इसको सीखेंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बजाय कि मैं बॉन्ड लाइन पे जाऊं, मैं आपको स्केलेटन की मदद से समझाती हूं, ताकि आपको ना एक ही बार में पिक्चर क्लियर हो जाए। वो क्लियर हो जाएगी फिर आप बॉन्ड लाइन में भी उसको बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन क्या होता है, इस तरीके से 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। और अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन कार्बन में क्या रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। जब हम इसमें ओजोन ऐड करते हैं CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो मैंने आपको क्या कहा था कि डबल बॉन्ड पे जाके ओजोन जुड़ता है। एक डबल बॉन्ड पे एक ओजोन जाके जुड़ रहा है। यहाँ कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3। तो कितने ओजोन लगेंगे? 3। और तीनों ओजोन क्या करेंगे? एक मतलब डबल बॉन्ड पे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखो बना रही हूँ, पहले मैं सिंपल बेंजीन बना रही हूँ, उसके बाद हम अभी एडिशन कर देंगे। ये है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ? ओजोन जोड़ रही हूँ। अब मैंने ओजोन जोड़ दिया, जैसे मैंने डबल बॉन्ड पे जोड़ा था, ठीक। इधर जोड़ दिया ओजोन, और इधर भी जोड़ दिया ओजोन, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ओजोन जुड़ता है तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ओजोन जाके जुड़ता है तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है? मतलब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है? सिंगल में। तो यहाँ से सिंगल हो गया, यहाँ से सिंगल हो गया, और यहाँ से सिंगल हो गया। फिर मैंने कहा था कि जो ऑक्सीजन होते हैं, इनके लोन पेयर में क्या रहता है? रिपल्शन रहता है। और ये कंपाउंड क्या होता है हमारा? अनस्टेबल है ना, क्या होता है? अनस्टेबल। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना, चाहो तो आप बना भी सकते हो, क्योंकि मैं इसी में ही वो कर दूंगी, नेक्स्ट ओजोनाइड बना दूंगी। तो मैंने क्या बताया था कि ये ऑक्सीजन यहाँ से हटती है, और हटने के बाद कहाँ आ जाती है? इधर ऊपर आ जाती है, ऐसे बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से भी ये ऑक्सीजन हटेगी, ठीक, और कहाँ आ जाएगी? ऊपर। यहाँ से भी ये ऑक्सीजन हटेगी और कहाँ आ जाएगी? ऊपर। फिर मैंने कहा था कि जब ये ऊपर आती है तो कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और ये मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया।
फिर मैंने क्या कहा था कि जब हम जिंक लेते हैं, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और एक ओओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ओओ का, और एक होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। जो ये एक ऑक्सीजन होता है ना, इसे जिंक लेके चला जाता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को ये ZNO बना के बाहर हो जाता है, तो यहाँ से तीन ZNO बाहर निकलेंगे। तो अब ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसको बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसको ले गया जिंक, ठीक। फिर ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और इस ऑक्सीजन को कौन ले गया, जिंक, ठीक। उसके बाद ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इस ओ को ले गया जिंक, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, एच, एच पे क्या है, कार्बन, कार्बन से जुड़ा ना एच, कार्बन किससे जुड़ा है, ओ से, जिसके साथ ये डबल बॉन्ड ओ बना लेता है, मैंने बताया था इसके साथ डबल बॉन्ड ओ बना लेगा। फिर इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, दूसरे कार्बन के साथ, इस कार्बन पर क्या है, एच, और ये इस ओ के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ओ, ठीक। फिर देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर ऐसे यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से हमें तीन मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लाइओक्सल, क्या कहते हैं इसे हम, ग्लाइओक्सल। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम बोलेंगे एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उससे बोलेंगे हम एन, इथेन। वन और टू, यू नो, दोनों पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो 1, 2, दो बार के लिए हम लिखेंगे डाई, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है अल, तो इसका नाम क्या बन गया, इथेन 1, 2 डाई अल, और कॉमन नेम क्या है, ग्लाइओक्सल, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब आप समझते हैं, या तो ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंबशन, कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या बेंजीन रिंग हो, जब भी आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो आपका फिक्स है कि आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 एंड वाटर, और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन की, तो बेंजीन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, और ये कैटलिस्ट है V2O5, इसकी प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इस टेम्परेचर पे। तो ये क्या करता है, बेंजीन क्या बनाता है, ये बनाता है मैलिक एसिड, और फिर जब हम इसे हीट करते हैं, तो मैलिक एसिड में क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकल के ये आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बनाएंगे, मैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल साइड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि रिंग पे, बेंजीन रिंग पे जो भी एल्काइल ग्रुप होता है, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, लॉन्ग चेन क्यों ना हो, 8-10 कार्बन की चेन क्यों ना हो रिंग के ऊपर, अगर आपने KMnO4 डाल दिया, तो ये बनाएगा एक ही प्रोडक्ट, और वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर आप इसकी जगह आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लेते और उसमें भी KMnO4 डालते, तब भी आपको क्या मिलता, बेंजोइक एसिड ही मिलता, ठीक है। बस इस रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो आपका कार्बन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, उस पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या ले लूँ, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लूँ, सॉरी अल्कोहल नहीं, बेंजीन ले लूँ, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर KMnO4 डाल के इस रिएक्शन को कराऊंगी, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस कार्बन पर वो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस रिएक्शन की नेसेसरी जो डिमांड है वो क्या है, कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। फिर इसे उस बात से मतलब नहीं होता कि कितनी लंबी चेन क्यों नहीं है रिंग पे, ये बनाएगा बेंजोइक एसिड ही प्रोडक्ट।
ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, वैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी उन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक वीडियो और आएगी मैकेनिज्म पे बेस्ड, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।